the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आरके वर्ल्ड में आपका स्वागत है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज तारीख 25th of June 2020 और आज है वीकली और मंथली एक्सपायरी का दिन। और आप देख सकते हैं ग्लोबल मार्केट में वीकनेस साफ साफ आपको नजर आ रही है। SGX निफ्टी इज अप्रोक्सीमेटली 140 पॉइंट्स डाउन, तो आप गैप डाउन ओपनिंग की आशा कर सकते हैं इंडियन मार्केट्स में भी, और सिमिलर काइंड ऑफ 150 पॉइंट्स 130 पॉइंट्स के आसपास की गैप डाउन ओपनिंग इंडियन मार्केट में हो सकती है। आपको मालूम होना चाहिए कल के दिन US मार्केट्स में भी काफी अच्छी खासी कमजोरी थी, डाउ भी काफी ज्यादा गिरा हुआ था, बट एट द सेम टाइम एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स मोर इज कि हमारी मार्केट कैसा ओपन होती है। तो हमारी मार्केट विल बी अप्रोक्सीमेटली 150 पॉइंट्स डाउन एज ऑन जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय के हिसाब से। बाकी उसके पूरे दिन में क्या होता है that we will keep updating you through our telegram channel. आप हमारे telegram channel पे updated रह सकते हैं। The link is there right in the first pinned comment box. बात करें कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि निफ्टी 50 कैन फॉल, इनफैक्ट मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी ये बताया था कि 10,500 क्या बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहां पर मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। और मैंने बताया था अगर उसके ऊपर जाता है तो मैं 10,700 पे फिर से बुक करूंगा, और ऑफ कोर्स 11K पे मैं अपनी ऑलमोस्ट सारे के सारे इंडेक्स फंड्स को सेल आउट कर दूंगा। मैंने बोला था और मैंने जैसा बोला था वैसा ही कल हुआ मार्केट में, और निफ्टी 50 में अच्छी खासी गिरावट हुई। आपको चार्ट पे लेके चलता हूं, वहां समझाता हूं कि निफ्टी 50 में आखिर में हुआ गया था। दोस्तों ये है निफ्टी 50 का चार्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि निफ्टी 50 अपने क्लोज टू 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास चल रहा है। तो जैसे आप देख सकते हैं गैप अप ओपनिंग हुई और अप्रोक्सीमेटली 10,500 के लेवल के ऊपर ही थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन ये जो 200 डे का मूविंग एवरेज इसको सपोर्ट नहीं कर पाया और वहां से धड़ाम। तो ये होता है जब आपको अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस आती है, अच्छे से आप चार्ट रीडिंग कर पाते हैं थ्रू दी वेरियस मूविंग एवरेजेस। जस्ट गो एंड रिवाइज एंड अपग्रेड योर इंफॉर्मेशन। सो आज क्या होगा, आज आप देख सकते हैं कि वो अपना जो ये 100 मूविंग एवरेज है वो है 10,050 के आसपास। तो अगर उसने ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 10,050, दैट इज ग्रीन लाइन जो 100 डे मूविंग एवरेज है, इसको अगर उसने सपोर्ट लिया देन दैट्स ग्रेट। उसके बाद यहाँ से अगर के वो वापस जा सकता है, अदरवाइज यहाँ से अगर वीकनेस बनी रही तो इट कैन इवन फॉल। और जो हमारे सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं सपोर्ट है दैट इज 9,700, उसको टेस्ट कर सकता है। सो एज ऑन डेट आप देख सकते हैं वीकनेस बराबर चलेगी, और चलेगी कब, जब तक उसका 100 मूविंग एवरेज और उसके बाद ये 50 मूविंग एवरेज जब तक कि टेस्ट नहीं हो जाता। ये जो गैप है ये आप देख सकते हैं, ये गैप या तो फिल होगा, ये तो भाई फिल होगा, या तो यहाँ से वापस जा सकता है। तो यू हैव टू बी केयरफुल। इस समय माहौल थोड़ा सा वीक है, क्योंकि जब इस प्रकार की एक तरफ की रन अप चलती है तो दूसरी तरफ का फॉल भी आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए।
फिलहाल कल सबसे ज्यादा जो वीकनेस दिखाई पड़ी वो थी निफ्टी बैंक में। ऑफ कोर्स मिड कैप और स्मॉल कैप में तो गिरावट थी। फिलहाल अभी आप देख सकते हैं ग्लोबल मार्केट्स वीक हैं और हमारी मार्केट अप्रोक्सीमेटली 150 पॉइंट्स डाउन दिखाई पड़ सकती है। बात करें अपने टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की, तो टॉप गेनर्स में कल थे एशियन पेंट्स, जिसके रिजल्ट्स आए थे। रिजल्ट्स तो इतने अच्छे नहीं थे, बट एट द सेम टाइम जो मार्जिन इम्प्रूवमेंट था प्लस जो बेटर देन एक्सपेक्टेशंस रिजल्ट्स थे, इस कारण एशियन पेंट वर्जिन पेंट दोनों ऊपर गए। कल मैंने उसकी एनालिसिस भी पोस्ट कर दिया, आई एम श्योर आपने इस वीडियो को देखा होगा। ITC, Hero MotoCorp, Eicher Motors were top gainers and losers were ICICI Bank share sale के चलते, IndusInd Bank, Power Grid and Hindalco। बात करें commodities के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब global markets गिरेंगी, वो गिरेंगी क्यों? क्योंकि lack of consumption, lack of growth के कारण। तो जब ग्रोथ कम होगा तो ऑफ कोर्स क्रूड ऑयल का कंजम्पशन कम होगा, फ्यूल का कंजम्पशन कम होगा, और वो भी रिलेटिवली उससे ज़्यादा ही गिरेगा, कम नहीं तो उससे ज़्यादा ही गिरेगा। अब बात करें आज के USD INR पेयर के करेंसी ट्रेड के बारे में, तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि US डॉलर वीक रहेगा, और US डॉलर वीक रहेगा तो आपको INR का जो इस पेयर का जो रुपी का काउंटर है वो थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाता वो मिलेगा। तो आप डॉलर को वीक और रुपी को कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर आज पा सकते हैं, अदरवाइज माइल्डली फ्लैट ही रहेगा। तो चार्ट्स पे हम लोग ने देख लिया था निफ्टी का क्या व्यू है, एक बार जरा क्विकली पिवट पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों आई पर्सनली प्रेफर पिवट पॉइंट्स, और मैं आपको बताता हूँ इसलिए, पिवट पॉइंट्स को रेगुलरली आप लोग रिवाइज करते रहा करो, इसके फंडामेंटल्स को, लिंक्स आर देयर राइट इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो जो की सपोर्ट लेवल है निफ्टी की, जैसे कि मैंने आपको बताया 10,200 जो कि आज टूटता हुआ नजर आ रहा है, एंड देयर आफ्टर 10,100 और जो 10,050 है मैंने आपको बताया कि वो सपोर्ट है, सपोर्ट जोन है, उसके बाद स्ट्रेट अवे क्रैक करके 9,700 के आसपास आ सकता है। ऊपर के लेवल की बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये वो रेजिस्टेंस जो कि मैंने आपको कल बताया था, उसको वो कल ही टेस्ट करके वापस आ चुका है। 10,650 तो उसके लिए थोड़ा सा भी नियर टर्म के लिए डिफिकल्ट है। बात करें बैंक निफ्टी के बारे में, तो बैंक निफ्टी कल नीचे टूटा करीब 4% के आसपास, और टूट करके पहुंचा 21426, और नीचे के सपोर्ट लेवल की बात करें तो वो है 21,000 और उसके बाद 20,600। ऊपर के रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो रेजिस्टेंस है 22,150 एंड 22,900, ये उसके स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल्स हैं ऊपर की तरफ। कल के इंस्टीट्यूशनल डेटा के बारे में बात करें तो इंस्टीट्यूशनल डेटा में जो खरीदारी है वो FIIs की कंटिन्यू रही है, FIIs की खरीदारी एंड अप्रॉक्सीमेटली 1767 करोड़ की बाइंग करी उन्होंने। DIIs के बारे में बात करें तो DIIs ने कल अपनी सेलिंग को कल भी उन्होंने सेलिंग करी 1525 करोड़ की। तो FIIs खरीदारी कर रहे हैं और DIIs सेलिंग कर रहे हैं, दिस इज अगेन अ वेरी वेरी डाइकोटमी स्टेट, बट एट द सेम टाइम जब तक FIIs खरीदारी कर रहे हैं यू कैन स्टिल कंसिडर थिंग्स आर नॉट एज बैड। बात करते हैं कुछ अच्छी खबरों के बारे में। अच्छी खबरों में ये है कि इंडिया की जो कोरोना की रिकवरी है दैट इज मोर देन 50%, 50, 55,
इस प्रकार के डेटा आते रहते हैं, तो विच इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन, क्योंकि हम लोग वी आर कॉम्बैटिंग कोरोना इशू वेरी वेल। बट जो ग्लोबल इश्यूज अभी चल रहे हैं विच वी मस्ट बी कम्प्लीटली अवेयर ऑफ, वो ये है कि कोरोना की जो इन्फेक्टेड पर्सन की लिस्ट है अक्रॉस द वर्ल्ड विच हैज क्रॉस्ड मोर देन 95 लाख। बात करें जो अनफॉर्चुनेट डिमाइसेस हैं, 4,85,000 पीपल आर नो मोर। बात करें इंडिया की, तो इंडिया में 4,72,000 से भी ज़्यादा के केसेस हो चुके हैं। डेली केसेस हैव नाउ इंक्रीज्ड टू 15,000 प्लस। और आपको मालूम होना चाहिए इंडिया इज़ नॉट अ वेरी वेरी रिच कंट्री, दैट्स अ फैक्ट। और इंडिया में अगर 5 लाख से ज़्यादा का केसेस बढ़ जाते हैं, सो अगेन दी प्रॉब्लम्स इन हॉस्पिटल्स विल अराइज कि इनको एकोमोडेट कैसे करें, बिकॉज इंडिया इज अ कंट्री ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस। सो वी हैव टू बी केयरफुल, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाइए, कम से कम घर से बाहर निकलिए, और जब काम हो तभी निकलिए, और मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एंड मेंटेन द नॉर्म्स विच आर लेड डाउन। मेरा मानना है दोस्तों, जब तक निफ्टी 10,000 और 9700 के ऊपर है यू शुड नॉट वरी, बट यस 9700 के नीचे क्लोज होता है तो ऑफ कोर्स दिस विल प्रेस अ पैनिक बटन, सो यू हैव टू बी केयरफुल। बात करें यूएसडी एनआर की, तो इट कैन बी इधर फ्लैट और रुपी कैन बी स्ट्रॉन्गर, बिकॉज डॉलर कंपोनेंट विल बी अ बिट स्ट्रॉन्ग बिग वीकर, तो रुपी स्ट्रॉन्ग होगा डॉलर वीक हो सकता है, तो फ्लैट रहेगा या फिर डॉलर विल बी अ बिट वीकर। तो आज की डे की मैं यही बोलना चाहता हूँ, टुडेज एक्सपायरी डे, सो बी केयरफुल, डू नॉट गेट यू नो वाइप्ड ऑफ बिकॉज ऑफ टेकिंग हेवी पोजीशंस। प्लीज टेक स्मॉल पोजीशंस, प्लीज टेक लर्निंग पोजीशंस इफ यू आर न्यू, इफ यू आर अ बिगिनर। अदरवाइज जो लोग प्रो हैं वो तो आज पैसे कमाने के लिए बिल्कुल तैयार रहें। आज के इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स में अशोक लेलैंड, कॉनकोर दैट इज कंटेनर कॉरपोरेशन, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स एंड बारक, आज मेरे काफ़ी फेवरेट स्टॉक्स के रिजल्ट्स आने हैं। कल के दिन जो रिजल्ट्स है उसमें थे गेल, IOC, PFC, कैनरा, GIC, जनरल इंश्योरेंस एंड UBL। तो दोस्तों आई होप आपका आज का आई विश आपका आज का डे ट्रेडिंग डे अच्छा जाए, और मैं चाहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन क्वेरी अगर आपकी रहती है तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। और बाकी विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी एंड ट्रेडिंग डे टुडे। प्लीज़ कीप योर पोजिशंस साइजेस स्मॉल सो दैट यू लर्न मोर एंड लूज लेस, ठीक है? And if you are a beginner, and of course if you are pro, then today is the day to make money, because aaj expiry ka din hai, gap down opening bhi ho rahi hai, market weak rahegi, so shorters will enjoy day today. So that's all from my side, friends. Wish you all a very very happy and satisfying trading day today. Bye bye for now.